पंजाब के बठिंडा के बस स्टैंड पर अचानक बसों में भीषण आग लगने से 3 बसें जलकर खाक हो गई। वहीं इस हादसे में बस कंडक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड पर प्राइवेट और सरकारी लगभग 1 दर्जन बसें मौजूद थी। बसों में आग लगने की घटना बृहस्पतिवार रात 10:15 के आसपास की है। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर बस स्टैंड पर लगी भीषण आग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टैंड पर खड़ी बसें आग की लपटों की चपेट में आकर धू धू कर जलती नजर आ रही हैं। ये आग कैसे और क्यों लगी इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि बठिंडा के भक्ता भाई का बस स्टैंड पर लगी आग की ये घटना बृहस्पतिवार देर रात का है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।